वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से, यानी कि टीम 07 और दूसरे क्रिएटर्स। तो अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहली स्टोरी आ रही है वो आ रही है 507 और हसनैन 07 की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता होगा हमारे आमिर भाई, जी हाँ ये वाले आमिर भाई की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत चुलबुले, बहुत मस्ती है उनको। तो वो जो है प्रैंक कर रहे थे फैसू और हसनैन पर कॉल करके। तो आइए वो दोनों वीडियो देख लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि फैसू 07 से जब वो बात कर रहे थे उस समय भी फैसू ने यही कहा कॉल पे कि अरे भाई घर से बाहर क्यों निकल रहे हो। अस्सलाम लाला, आमिर बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, हसनैन बोल रहा हूँ। और भाई कैसे हो? बढ़िया है भाई, तुम कैसे हो? एकदम मस्त। अरे भाई सुनो तो सही। हाँ भाई बोलो। अरे भाई मेरी एक फ्रेंड है, अच्छी क्लोज फ्रेंड है, उसको तुमने इंस्टा पे मैसेज किए थे और तुम्हारी बात हुई और तुम उसको बोल रहे हो कि ये सब टाइम खत्म हो जाएगा तो अपन सारा स्टार ये सब में मिलते हैं। भाई क्या बात हो रही है सब? हाँ नहीं भाई, ये सब क्यों, मैं सब क्यों बोलूंगा भाई, तुम कौन कौन बुलाया सर? अरे है भाई फ्रेंड मेरी, मैं तुमको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ क्या क्यों, लेकिन फिर तुम्हारे स्क्रीनशॉट देखा तो मैं बोला यार ये क्या शॉट है भाई। क्या मेरा स्क्रीनशॉट? हाँ भाई तुम्हारे इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट है। लाला कभी आज तक लाइफ में किसी को नहीं बोला। तुम भाई क्या सोच रहे हो, तुमको लग रहा है स्क्रीनशॉट? ऐसा हो ही नहीं सकता, फेक होएगा भाई, पूरा फेक है, फेक न्यूज। हाँ ये भी हो सकता है। वैसे आज का डेट क्या है लाला? आज का डेट भाई कल की 2 हुई है, अप्रैल फूल माय ब्रो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम भाई, बोलिए। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ हो, घर पे हो? मैं घर पे हूँ भाई। भाई मैं तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, नहाने का साबुन दो ना। क्या तुम घर के नीचे आए? हाँ नहाने का साबुन चाहिए भाई। अरे भाई तुम अरे भाई तुम घर के नीचे आ गया, तुम घर से क्यों निकले, बड़ा क्या गया तुम निकलवा? अरे भाई लेकिन नहाने का साबुन चाहिए था इसके लिए निकल गया, नहीं मिल रहा साबुन, नहाया नहीं हूँ 3 दिन से भाई। के मिल रहा था नहाने का साबुन, तुम घर के नीचे आ गया। अरे भाई तुम मत घूमो, तुम्हारी जान को बवाल है भाई, अच्छा तुम साबुन दे रहे क्या नहीं दे रहे? अरे यार भाई साबुन लेकर आ रहा हूँ, तुम बहुत आ जाओ, अभी तुम घर जाओ, और कुछ चाहिए तो बोलो, मैं लेकर आता हूँ। हाँ कोलगेट भी चाहिए मेरे को। गाइस अगली स्टोरी आती है ब्यूटी खान की तरफ से, और जैसे कि आप सबको पता है ये अचानक में भयानक फेमस हो गई। अबे साले मेरा डायलॉग इसके लिए फिक्स है, मजाक में। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका छोटा सा एक मीटअप हुआ था बीच में और उस समय कुछ तो अनबन हो गई थी। अब वो क्या हुई थी अभी तक कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन आज फिर से मुझे एक वीडियो मिला है, आइए देखते हैं। देख लीजिए भाई ये बहुत गलत हो रहा है पब्लिक भीड़ में, मतलब लड़के लोग गालियां गलौज कर रहे हैं ब्यूटी खान के साथ, और देख लीजिए वीडियो को, एक मैं स्किप करके दिखाता हूँ। वैसे किसी के पास इससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स हो तो प्लीज सेंड कर देना, ये रही इंस्टाग्राम की आईडी। गाइज हमेशा हम टिकटॉकर्स की बात करते हैं लेकिन आज हम टिकटॉक ऐप के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी क्या हालत चल रहा है, आप सबको पता होगा। तो इसी बीच यहाँ पर टिकटॉक ने 100 करोड़ रुपए तक के मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है डॉक्टर्स को। जी हाँ आइए उस पर एक वीडियो देख लेते हैं। टिकटॉक विच हैज डोनेटेड 100 करोड़ रुपीज टुवर्ड्स द यूज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट इन इंडिया। रिमेंबर सेवरल गाइज अभी फैसू और रियाज से रिलेटेड न्यूज आने में है, फिलहाल हम लोग चलते हैं तबलीगी जमात की तरफ। कल भी इससे रिलेटेड मैंने न्यूज दिया था लेकिन आज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मीडिया तो आप सबको पता है कैसी है, लेकिन हमारी जो मीडिया है, हमारे मतलब जो टिकटॉकर्स है, जो यूट्यूबर्स है, वो लोग आवाज उठाती है। मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर कुछ टिकटॉकर्स है फेमस है, उन लोग ने भी इस पर वीडियोज अपलोड किए हैं, आइए देखते हैं। विदेशों से इतने सारे लोग वायरस लेकर आए, मीडिया को जरा फर्क नहीं पड़ा। 30,000 की पब्लिक आनंद विहार के अंदर थी तब मीडिया को ज़रा फर्क नहीं पड़ा। कनिका कपूर विदेश से वायरस लेकर आई तब मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मरकज़ के अंदर तबलीगी जमात के लोग थे, मौजूद थे, छुपे हुए नहीं थे, रह रहे थे वहाँ पर, किस लिए? क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, जाने का कोई भी चीज़, सब चीज़ें बंद है, जाने के लिए सब कार, फ्लाइट वगैरह सब चीज़ बंद है।
पर मीडिया को रोजी रोटी कैसे मिलेगी। निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन निजामुद्दीन मरकज से बिल्कुल सटा हुआ है, इतना सटा हुआ है कि अगर मरकज में कोई चीख भी दे तो आवाज पुलिस स्टेशन में आएगी, इसलिए वहां पर छिपाकर कुछ भी नहीं किया जा सकता। नंबर दो, निजामुद्दीन में ये मरकज आजादी से पहले से स्थापित है और ये सब गतिविधियां तभी से संचालित है। नंबर तीन, साल भर निजामुद्दीन मरकज में हर वक्त, जी हाँ हर वक्त, कई हजार आदमी जमा रहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया से जमात आते और जाते वक्त मरकज जरूर जाती है। वो लॉकडाउन से पहले से थे, लॉकडाउन के बाद ना वहाँ कोई जमात आई है ना वहाँ से कोई गया है। एंड चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं रियाज की तरफ। जैसे कि आप सबको पता होगा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ये रही वो वीडियो। अगर आप लोग ने नहीं देखे, आई कट पर क्लिक करके या तो लिंक सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पर रियाज पर भी पुलिस केस हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि रियाज ने एक ऐसी स्टोरी अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम पे अप्रैल फुल के दिन, जो कि सही नहीं थी इन हालात को देखते हुए। तो यहाँ पर होम मिनिस्टर से मैसेज आ गया था रियाज को वो वीडियो टेक डाउन करने के लिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए आइए, आज रियाज ने एक स्टोरी अपलोड किया है, देख लेते हैं। Hey guys, how are you all? I hope you guys are at home and safe. So guys, I wanted to share something with you all. I made a video regarding April Fool on 31st of March on my Insta story. So guys, later when I got to know about the message by our honorable Home Minister of Maharashtra, I removed it. And I would like to tell people to stay at home, stay safe, listen to the government. Jai Hind. साथ ही साथ गाइज, यहाँ पर रियाज ने वो स्टोरी डिलीट तो किया ही और एक वीडियो पे अपलोड किया, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें लिखा है द पुलिस टू हैव देयर फैमिली बट दे आर वर्किंग फॉर अस विदाउट केयरिंग फॉर देयर ओन सेल्फ, बिग रिस्पेक्ट टू ऑल द कॉप्स, थैंक यू। तो देखते हैं आगे क्या होता है और अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोग को दे दूंगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अब फैसू 07 की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा, पिछली तीन वीडियो से मैंने आप लोगों को बताया हो कि फैसू पर केस हो चुका है। जी हाँ, अगर आप लोग को जानना रहेगा डिटेल्स में तो आप लोग मेरी तीनों वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लिंक उस हिसाब से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं आप लोग को अब ये भी बता दूं कि अब मीडिया भी इसको कवर कर रही है। अगर आप लोग डिस्क पेपर देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स, टैली चक्कर, न्यूज 18, स्पॉट बॉय एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने तक इसको कवर किया है। तो गाइस, इन आर्टिकल्स में क्या लिखा है मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ना रहेगा आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें वही लिखा है कि लॉयर का कहना ये है कि यहाँ पर फैसू उनको डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहा है, दूसरों के थ्रू करवा रहा है। साथ ही साथ लॉयर ने ये भी कहा है कि उनको जो थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, धमकियों के कॉल्स आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो इंस्टाग्राम है उसके जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लोग उनको धमकियाँ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और ये भी कहा कि साइबर सेल जो है उनका इंस्टाग्राम हैंडल कर रही है और जो भी लोग अगर ऐसे कमेंट्स करेंगे तो वो उन पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा उनका कहना है लॉयर का। लेट्स सी, देखते आगे क्या क्या होता है। वैसे आप लोग को आर्टिकल पढ़ना रहेगा, हो सके तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, आने वाली जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को देते रहूंगा वीडियोस बना बना के। लेकिन कुछ लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उन लोगों को लगता है मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही बैठा हूँ, लेकिन ये एक न्यूज़ चैनल है, यहाँ पर मैं न्यूज़ कवर करता हूँ। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पर एक सब्सक्राइबर मेरे, उन्होंने काफ़ी अच्छी वीडियो अपलोड की है, आइए देखते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि लोग फैसू के पीछे पड़ गए। नहीं, सही है भाई, सही कर रहे हो उन्हें। लेकिन यार, आप एक लॉयर है अली काशिप करके, तो उन्होंने केस लड़ा था इनके साइड से नवंबर में, शायद पहले, इसके पहले लड़ा था। और इनके चाहते भाई, आप बहुत अच्छे लॉयर हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे लॉयर हो। और नहीं भाई, एक मौका आप दे सकते हो फैसू को, एक मौका बस आप और फैसू को दो, और गारंटी वो इस बार ऐसा नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। और यार, मैं देख रहा हूँ कि लोग इजाज़ ब्लॉग से यूट्यूब पे चैनल करके लोग उसको धमकी दे रहे थे कि भाई तू यार, तू फैसू का हेटर है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई देखो, जो इजाज़ है ना वो सच बताता है। और भाई हेटर सुनो, सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है, सच हमेशा कड़वा होता है। तो प्लीज़ उसको ना थोड़ा सच को सहने का शक्ति रखो आप लोग यार। लेकिन सर, एनीवे, इजाज़ को आप लोग कुछ यार, मतलब इजाज़ के बीच आप लोग क्यों बढ़ रहे हो, इतनी मेहनत करता है, इतना सब कुछ करता है आप लोग, तभी उसकी वजह से आप इतना वो कर रहे हो। कौन सा चैनल इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता है? नहीं भाई, इजाज़ बहुत अच्छा चैनल है। पर सर, एक मौका और। बाकी जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने ये वीडियो अपलोड किए उनका भी शुक्रिया। अब चलते हैं हम लोग अचीवमेंट की तरफ। तो यहाँ पर जन्नत जुबैर को फीचर किया गया है IWM बस के आर्टिकल में। ब्यूटी खान जो कि अचानक में भयानक फेमस हो गई, 10 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। यहाँ पर आदिल खान फिर से एक सीजन ला रहे हैं गेम ओवर। जी हाँ, लिखा है नीचे ट्रेलर कमिंग टू नाइट। यहाँ पर जन्नत जुबैर का न्यू व्लॉग आ चुका है, माई क्वारंटाइन डे रूटीन। अगर आप लोग को देखना रहेगा आप लोग उनके चैनल पर देख सकते हैं। द क्वीन के हो गए हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। अरिश्फा खान के हो गए
24 मिलियन फॉलोअर्स। साथ साथ गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि अरिश्मा खान का एक भाई है जिसका यूट्यूब चैनल था, कुछ 7,000 सब्सक्राइबर्स थे, वो हैक हो गया, तो उसने न्यू चैनल बनाया, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो देखना रहेगा मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। सादिन छोटे गए हुए हैं 7 मिलियन फॉलोअर्स। अश्नूर कौर को भी फीचर किया गया है IWM बज में। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी, मिलते सच्ची वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज कल इंस्टाग्राम पे भी काफी अपडेट देते रहो, क्या स्पीड में भूलता हूँ। बाय स्लैप। अबे साले।